हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारे जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दें। तो बात करें आज की वीडियो में, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में होने वाली है। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने आप में से जो है सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक किया होगा और कुछ चुनिंदा लोगों को डिलीवरी भी मिली होगी। जी हाँ, कंपनी ने जो है डिलीवरी प्रोसेस फ़िलहाल बंद कर दिया है। केवल उन्होंने 34 व्हीकल ही जो है कस्टमर को डिलीवर किए थे और उन्होंने डिलीवर बाकी के जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो उनकी बुकिंग थी उन पर्सन को जो है डिलीवरी नहीं दी। अब क्या रीज़न है, क्या उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं और इससे बड़ा जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फेक वेबसाइट बनाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एज कम्पेयर ओला से हम कंपेयर करें तो उससे फार बेटर आपको जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलता है। कंपनी ने है और काफी लोगों ने जो सचेत करने किया था जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि उस टाइम इसकी जो प्राइस और जो रेंज थी काफी जस्टिफाइड थी। लेकिन अब फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम इसकी प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और कंपनी जो है डिलीवरी भी नहीं दे पा रही है जिन लोगों ने अभी भी जो इसको बुक करके रखा है। इसलिए काफी लोगों ने जो इसकी प्राइस बढ़ने के बाद और जो है डिलीवरी में लेट होने के बाद काफी लोगों ने इसको उसी पे जाकर जो है अपनी बुकिंग हटा दी और उन लोगों को जो है बुकिंग अमाउंट जो उन्होंने पे किया था वो कंपनी की तरफ से रिफंड भी हो गया था। बिल्कुल भी नहीं है जी हाँ, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो भी जितने भी लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला है, 34 अराउंड लोगों को ये मिल चुका है नियर बाई बेंगलोर में ही बेसिकली इसकी जो है डिलीवरी स्टार्ट हुई थी और ये जो 34 इलेक्ट्रिक स्कूटर ही डिलीवर किया है। उनके अगर रिव्यूज की बात करें तो उनके हिसाब से काफी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने को मिलता है और एक्सेलरेशन आपको काफी फास्ट देखने को मिलता है। ऐसा एक्सेलरेशन आपको जो है ओला में भी नहीं देखने को मिलता। इसके अंदर आपको इको स्पोर्ट और जो नॉर्मल तीनों मोड में अच्छा खासा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत इसके अंदर आती है डिलीवरी से रिलेटेड। काफी लोगों को जो है डिलीवरी नहीं मिली वो जो है थक के उन्होंने जो है दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस कर लिए हैं। काफी लोगों ने जो है अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। मैसिव जो है बुकिंग आई थी सिंपल वन की तरफ से जब इन्होंने अपना जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवील किया था, लेकिन अब वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो लोगों ने जो है डिलीवरी कैंसिल भी कर दिया। आप भी कमेंट करके बताएं कि किन लोगों ने डिलीवरी कैंसिल कर दी और किन लोगों की डिलीवरी अभी भी है। और जिन लोगों ने डिलीवरी कैंसिल नहीं की उनकी कैंसिल होने वाली है वो कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। तो बात यह है कि नया अपडेट आया सिंपल वन की तरफ से। जितने भी लोगों ने जो है सिंपल वन की इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक बुक करके रखी है कंपनी उनको वापस रिफंड दे रही है। उनकी उनको बोल रही है कि आप जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कैंसिल कर दो। जी हाँ, कंपनी खुद बोल रही है और कंपनी एक एक जो कस्टमर है जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक किया था उनको रिफंड कंपनी खुद वापस कर रही है। इससे जो है एक ही हमें आइडिया लगता है कि कंपनी मेरे ख्याल से ये आगे नहीं चलने वाली है, क्योंकि कंपनी खुद ही रिफंड वापस जो है कस्टमर को दे रही है और उनको बोल रही है ईमेल करके कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारा कैंसिल कर दो, इसके बजाय आप कोई दूसरा इलेक्ट्रिक परचेस कर लो। तो ये इससे सीधा सीधा मैसेज आता है कि कंपनी की जो है अभी हालात सही नहीं है, वो सक्षम नहीं है डिलीवरी करने के अंदर। उन्होंने जो है 2 महीने पहले अपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है डिलीवर किए थे और लास्ट मंथ उन्होंने एक भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल नहीं की। तो अब ये इंटरनल प्रॉब्लम है क्या, मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है, ये तो कंपनी ही बता सकती है। लेकिन ये था नया अपडेट। अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है तो बहुत अच्छा रहेगा और जैसे ही आगे कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।